Hey everyone, this is Abigail and welcome back to my channel. तो कुछ दिनों पहले Encore ने अपने Instagram हैंडल में एक स्टोरी शेयर की थी जहां पे उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया पर कुछ ऐसा बोला था. There was a guy I supported with all my heart in the past. Stood up for the man against the world. Put my reputation online, my career online for him. फिर जिन लोगों ने उसका साथ दिया उसने उन्हीं बंदों के पीठ पे चाकू चला दिया. बिट्रेल एक बार ही काफी है, फिर इस गली में मत आना. Encore ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन ये स्टोरी देखने के बाद ये साफ जरूर हो गया है कि उन्होंने यहाँ पे MC कोड के बारे में ही बोला है. क्योंकि 4-5 दिन पहले MC कोड लाइव आए थे एंड उन्होंने बहुत से आर्टिस्ट के बारे में बुरा भला बोला था, जिसमें से एक सीधे मौत भी थे. सो आखिर इन दोनों के बीच में क्या भसर हुई एंड इन दोनों के बीच में हुआ क्या कि दोनों ही सोशल मीडिया में एक दूसरे के अगेंस्ट स्टोरी शेयर किया जा रहे हैं. तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हुआ यू, कुछ दिनों पहले MC कोड इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे एंड उन्होंने बहुत से आर्टिस्ट के बारे में डिस्कशन किया था एंड उनको बुरा भला बोला था, जिसमें से एक सीधे मौत भी थे. सो आपको याद हो या नहीं, कुछ साल पहले जब MC कोड के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा था एंड वो अरेस्ट भी हो चुके थे, वो गायब भी हो चुके थे, तब Encore ही थे जो उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे. एंड सीधे मौत ने कोड के सपोर्ट में एक गाना भी शेयर किया था जिसका नाम था गॉड कोड, जो उन्होंने अभी रिमूव भी कर दिया है. एंड सून आफ्टर MC कोड केम लाइव एंड ही टॉक्ड अगेंस्ट अबाउट सीधे मौत, तो ऑब्वियसली Encore को हर्ट फील हुआ एंड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल में एक स्टोरी शेयर किया एंड वो साफ साफ उस स्टोरी में MC कोड के बारे में ही बोल रहे थे. एंड उसके बाद उन्होंने गॉड कोड वाला गाना भी रिमूव कर दिया एंड वो गाना रिमूव होते ही कोड ने उस पर रिएक्ट किया एंड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये बोला, ब्रो माई मॉम वॉन्टेड दैट ट्रैक रिमूव्ड, आई एम ग्लैड एंड टेल दैट चक आई डोंट वॉन्ट टू बी इन हिज गली लॉल. Fuck you, think I play cricket with you in Noida lol. You the backstabbing bitch when you tell my family's whole story 2 lines then remove it whenever convenient. Hope that pimple on your face grows into a black hole because you already sucking mere bhai. Kendrick का फ्लो थपना बंद करो. तो जो गॉड कोड वाला ट्रैक था वहाँ पे MC कोड के मॉम के बारे में भी बोला गया था बट इन अ पॉजिटिव वे. एंड उसके बाद Encore ने भी उस पर रिएक्ट किया एंड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू ये बोला, इसे गाना रिकॉर्ड करते ही भेजा था, दिक्कत थी तो तभी बोल देता भाई. लास्ट एंड फाइनल रिप्लाई, बिकॉज इट फकिंग हर्ट्स टू सी समवन यू स्टूड अप फॉर मैनिपुलेट फैक्ट्स. This guy dead to me. एंड इस चीज के बाद कोड ने उस पे तुरंत रिएक्ट किया एंड अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू ये बोला, A for the fucker who think I backstab him while he talk about my case when it was convenient and obviously profitable in terms of clout and money. Suck my dick. और तू रेसिडेंशियल कॉलोनी में रहता है नोएडा सैक 50. तेरी गली से पहले अपनी मम्मी से मिलूंगा जिसके बारे में तू गाने बनाता है और फिर डिलीट करता है. माँ कसम, काश तेरी माँ के साथ भी सेम हो, क्योंकि उसके बाद मैं गाने नहीं बनाऊंगा और बनाऊंगा तो तेरी ट्रॉमा पेन प्रॉफिट करने के बाद डिलीट तो नहीं करूंगा. उस पे Encore ने रिएक्ट किया एंड अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू ये बोला, द अल्कोहल फिना ड्रिंक यू अप. एंड उसके बाद कोड ने भी उस पे रिएक्ट करते हुए ये बोला, सोबर हूँ 4 दिनों से कैट डैडी, बस IG डीएक्टिवेट कर रखा था पर जो भी मैनेजर की तो नहीं पी रहा. उसके बाद उन्होंने और बहुत सी स्टोरीज भी लगाई है, वेल आई एम नॉट मेंशनिंग इट हियर. लेकिन वो रात को इंस्टाग्राम लाइव भी आए एंड उन्होंने सीधे मौत को बहुत सारी गालियां भी दी. कोड रंडवा, हाँ बा, हैशटैग शुरू कर दिया, हाँ बा, कोड रंडवा, बा, हैशटैग कोड रंडवा, आ जाओ सब लोग, आ जाओ सब लोग, लिखो कोड रंडवा, जल्दी से जल्दी से, मेरे फैंस भी लिखे बा, डोपरमैन अभी लाइव है ना. एंड उन्होंने उस लाइव पे ही सब चाहिए का जो मर्चेंडाइज है वो भी जला दिया. टी शर्ट को कैसे जला सकता हूँ मैं, ये तो पता नहीं कि ये बीफ कितना लंबा खींचेगा एंड शायद डिस्ट्रैक्ट्स भी आ सकते हैं. वेल ये तो टाइम ही बताएगा. बट आई रियली फील सैड फॉर MC कोड समटाइम्स. आई थिंक ही रियली नीड्स अ थेरेपी राइट नाउ.
क्योंकि वो जो ये सब हरकतें कर रहे हैं वो अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं, एंड उनका म्यूजिकल करियर तो पहले से ही ख़त्म हो रखा था, एंड वॉट एवर ही इज़ डूइंग राइट नाउ ही विल बिकम अ मैटर ऑफ जोक फॉर एवरीबॉडी एल्स. So it's high time he should control himself and get a therapy as soon as possible. Alright then guys, तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही हिप हॉप कंटेंट और लाती रहूं, then please do subscribe to my channel and do hit that like button. Alright then guys, I will see you on my next video. Till then, take care, stay safe, and thanks for watching.